प्लीज अलॉट गाइस, आज मैं आपको NEFT मैंडेट फॉर्म को भरना बताऊंगी, का मतलब बताऊंगी कि ये फॉर्म कहाँ पर इस्तेमाल होता है। दूसरा, मैं इसको आपको भरना बताऊंगी कि इसको आप कैसे भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस फॉर्म को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसको हम कैसे भर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले, जब भी आप ये फॉर्म भरते हैं, अपने पास अपनी पासबुक को रख लीजिए और उसके फर्स्ट पेज को ओपन कर रख लीजिए, तो इस फॉर्म को भरने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्म कैसे भरा जाता है और इसका क्या मतलब होता है। तो आइए, फॉर्म को फिल करने से पहले, भरने से पहले हम जानेंगे इसके इस टाइटल के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है, NEFT मैंडेट फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो सबसे पहले हम इस फॉर्म की हेडलाइन के बारे में जानेंगे। हेडलाइन है NEFT मैंडेट फॉर्म। तो NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, जिसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड भी कहा जाता है जो फंड ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया द्वारा आपका सेविंग यानी आपका पैसा एक बैंक की शाखा से दूसरी बैंक शाखा में ईजली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस फॉर्म को हम भर कैसे सकते हैं, इस फॉर्म को हम कैसे फिल करें। तो आपको सबसे पहले अपने पासबुक का फ्रंट पेज, एक जो पहला पेज होता है उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल होती है, हम उसको ओपन करेंगे। ये मेरे पास एक पासबुक है और हम इसको ओपन करेंगे क्योंकि हमने इस पासबुक की ही डिटेल को अपने इस फॉर्म के अंदर फिल करना है यानी भरना है। तो ये सारी डिटेल हमारी पासबुक की इस फ्रंट पेज पर, फर्स्ट पेज पर होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस फॉर्म को भरने के लिए या NEFT मैंडेट फॉर्म को भरने के लिए आपको आपकी पासबुक की ज़रूरत होती है। याद रखें, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले आप उस फॉर्म के अंदर ये देखें कि क्या क्या आपसे डिटेल मांगी जा रही है। आप वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिए। जैसे कि ये NEFT मैंडेट फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आपकी पासबुक के अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर आपको डिटेल भरनी है वो डिटेल आपके पासबुक के पहले पेज पर आपको मिल जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब भी किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो आप पेंसिल से फॉर्म को फिल करें, बाद में आप पेंसिल को इरेज करके आप पेन का यूज कर सकते हैं ताकि कोई गलती भी हो तो हम उस फॉर्म के अंदर ना होने पाए। तो आइए हम, मैं इस फॉर्म को आपको फिल करना बताती हूँ, भरना बताती हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं। ये मैंने रख लिया है यहाँ पर मैंने पासबुक भी रख ली है और उसका फ्रंट पेज रख लिया है, साइड में मैंने ये फॉर्म रख लिया है। तो आइए हम जानते हैं, हम ले लेंगे एक पेंसिल और पेंसिल की हेल्प से हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर पूछ रहे हैं नेम ऑफ फर्म, तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं भरना, बिल्कुल भी नहीं भरना। सेकंड पे हम आ जाएंगे, लिखा है नेम ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन यानी उस होल्डर का नाम जिसकी ये पासबुक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जॉयल मैसी। उसके बाद वो आपसे आपका एड्रेस पूछ रहे हैं, तो आपने वही एड्रेस इसके अंदर मेंशन करना है जो आपकी पासबुक में है। तो मैंने यहाँ पर वो एड्रेस ही मेंशन कर दिया है जो एड्रेस पासबुक में है, ये वाला एड्रेस। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं आप, फिर हम इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे जो। तो यहाँ तक आपका फॉर्म भर चुका है। फिर उसके बाद पार्टिकुलर ऑफ बैंक ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पर भी आपने अपने अकाउंट टाइटल में कुछ भी नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना। नीचे देखेंगे हम नेम ऑफ द बैंक, तो जो आपका बैंक का नाम है वो अपना बैंक का नाम आपने यहाँ पर डालना है, वो भी आपके यहाँ पर आपके पासबुक के पहले पेज पर आपको मिल जाएगा जो भी बैंक का नाम है। तो यहाँ पर मैंने बैंक
का नाम भी मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं नेम ऑफ द ब्रांच कि आपका आपकी ये ब्रांच कहाँ पर है, तो हमने वो डालना है एड्रेस कि आपकी ब्रांच कहाँ पर है, तो ये ब्रांच है सहाद्रा। ठीक है, बस यहाँ पर हमने इतना ही डालना है। उसके बाद जो एड्रेस आपका ऊपर है वही एड्रेस आपने यहाँ पर डालना है। तो आइए हम वो एड्रेस डाल देते हैं दोबारा से। अभी पेंसिल से मैं फील कर रही हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग भी अजीब है, लेकिन जब आप पेन से भरें तो आप बिल्कुल साफ साफ लिखें अच्छे से। फॉर्म भरते हुए आप पूरी डिटेल लिखें, ऐसा नहीं कि ये एड्रेस में हमने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया और यहाँ पर आके हमने दिल्ली नहीं लिखा। तो जितना जो एड्रेस आपने यहाँ पे दे रहे हैं वही एड्रेस आपने यहाँ लिखना है। ये लीजिए, तो जो सेम एड्रेस हमारा यहाँ है वही एड्रेस हमने यहाँ भी लिख दिया है। टेलीफोन नंबर में आपने कुछ नहीं लिखना। फिर यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि 11 डिजिट IFC कोड, तो यहाँ भी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 11 डिजिट की IFC कोड कहाँ पर है। ये रही, ये होता है आपके पासबुक के पहले पेज पे ही। उसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं 9 डिजिट MICR कोड नंबर ऑफ बैंक एंड ब्रांच, तो ये भी आपका इसके अंदर ही मेंशन है आपकी पासबुक के पहले पेज पे। वो आपको देखो कैपिटल में हम उन्होंने लिखा हुआ है MICR कोड नंबर, तो ये भी देखिए आप आपके पासबुक के पहले पेज पे ही आपको मिल जाएगी। ये लिखा है MICR कोड और ये है नंबर। फिर आपको यहाँ पर आएगा आपका 9 डिजिट का MICR कोड नंबर, ये भी आपकी पासबुक के ऊपर नंबर होगा। आप अपने पासबुक के पहले पेज पे देखेंगे तो आपको 9 डिजिट का 9 नंबरों वाला नंबर दिख जाएगा और वहाँ पर भी कैपिटल में ऐसे ही लिखा होगा MICR कोड नंबर, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं टाइप ऑफ द अकाउंट SB करंट और कैश क्रेडिट, यानी वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका सेविंग का अकाउंट है या अतर क्या है सेविंग का अकाउंट होता है, तो यहाँ पर आपने यहाँ SB लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये अकाउंट नंबर एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, जो आपके अकाउंट नंबर्स होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो आपके बैंक की पासबुक पर होता है वो आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाएगा, जो नंबर अकाउंट नंबर आपका है। लास्ट में आपने यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, तो आपके यहाँ पर साइन आ जाएंगे जिसका अकाउंट है। बाकी ये सारा काम यहाँ पर आपको देख रहे हैं डेट डाल देंगे और फिर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द ब्रांच मैनेजर, तो आप आपके बैंक में जिस भी बैंक में जा रहे हो उधर के आपको साइन होंगे और वो यहाँ पे अपनी स्टैंप लगा देंगे और डेट डाल देंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं NEFT मैंडेट फॉर्म। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर से बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको और नई नॉलेज के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी। जो डिटेल इस पास फॉर्म के अंदर मांगी जाती है वो आपके पासबुक के पहले पेज पर मिल जाती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।